वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के ब्रेकअप के दूसरे चरण की जानकारी दी। अप्रवासी मजदूर, स्ट्रीट वेंडर, छोटे व्यापारी और किसानों के लिए 9 अहम घोषणाएं की गई हैं। इसके तहत छोटे किसानों को बड़ी राहत दी गई है। उन्हें दिए जाने वाले कर्ज पर ब्याज में छूट की स्कीम 31 मई तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा जो अप्रवासी मजदूर अपने घरों की ओर लौटे हैं, वे वहीं खुद को रजिस्टर कर काम कर सकते हैं। मनरेगा के तहत मजदूरी 182 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए कर दी गई है। देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के कुल केस की गिनती 78,003 तक पहुंच गई है। 24 घंटे में 3,722 नए केस दर्ज हो चुके हैं। देश में कोरोना से कुल 2,549 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 24 घंटे के दरमियान 134 मौतें हुई हैं, जिनमें 49,219 सक्रिय हैं। 26,235 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं गुरुवार को ओडिशा में 73, आंध्र प्रदेश में 36, कर्नाटक में 11 और राजस्थान में 24 नए मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में लॉकडाउन के अगले फेज को लेकर दिल्ली की जनता से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राय मांगी थी। केजरीवाल ने बताया कि 5 लाख से ज्यादा सुझाव मिले हैं, इनके आधार पर केंद्र को प्रस्ताव भेजेंगे। केंद्र जो भी फैसला लेगा उसके आधार पर आने वाले सोमवार से आर्थिक गतिविधियों में छूट दे दी जाएगी। ज्यादातर लोगों ने गर्मियों की छुट्टियों तक स्कूल और दूसरे शैक्षणिक संस्थान बंद रखने के सुझाव दिए हैं और कहा है कि मेट्रो सर्विस में अभी बहुत कम छूट दी जानी चाहिए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद पर शिकंजा कसते हुए मौलाना साद के बेटों, रिश्तेदार समेत 166 जमातियों के बयान दर्ज कर लिए हैं। ये वो जमाती है जो मरकज पहुंचे थे और जमात में शामिल हुए थे। क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ सूत्रों के मुताबिक इन जमातियों में से अधिकतर ने पूछताछ में ये बताया कि 20 मार्च के बाद लोग मरकज से निकलना चाहते थे, लेकिन मौलाना साद ने ही इन्हें रुकने के लिए कहा था। अब तक की जांच में ये पता चला है कि पुलिस के नोटिस दिए जाने के बाद भी मरकज में जमातियों को जानबूझकर रोका गया। कोरोना संकट के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर और लोग फंसे हुए हैं। पश्चिम बंगाल के जो लोग देश के अलग अलग हिस्से में फंसे हैं, उनके लिए राज्य सरकार की ओर से 105 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलवाने का फैसला लिया गया है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। बता दें कि राज्य सरकारों की सिफारिश पर रेलवे की तरफ से स्पेशल ट्रेनें दी जा रही हैं। ममता बनर्जी के मुताबिक अगले कुछ दिनों में ये ट्रेनें देश के अलग अलग हिस्सों से बंगाल के लिए चलेंगी। दिल्ली के गाजीपुर फल और सब्जी मंडी के सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी के कोरोना वायरस संक्रमित होने के बाद मंडी को 2 दिनों के लिए सील कर दिया गया है। गाजीपुर मंडी को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है। 10 कोरोना संदिग्धों की लिस्ट भी प्रशासन को दे दी गई है। गाजीपुर मंडी और आजादपुर मंडी के बीच कोरोना चेन की संभावना बहुत बढ़ गई है, क्योंकि गाजीपुर मंडी का सेक्रेटरी आजादपुर मंडी का भी डिप्टी सेक्रेटरी है। अब तक आजादपुर मंडी में 18 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने की वजह से संक्रमण का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और 8 अन्य लोग राज्य विधान परिषद के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। इसी के साथ सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर छाया संवैधानिक संकट टल गया है। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 9 खाली सीटों पर 21 मई को चुनाव होने थे, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 3 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं, जिसके बाद अब मैदान में सिर्फ 9 प्रत्याशी ही रह गए थे। इसी वजह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को निर्विरोध रूप से महाराष्ट्र विधान परिषद का सदस्य चुन लिया गया। शराब कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटेन के हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने विजय माल्या की भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। माना जा रहा है कि माल्या को 28 दिन में भारत को सौंपा जा सकता है। इससे पहले भारत में अपने प्रत्यर्पण की लड़ाई लड़ रहे शराब कारोबारी विजय माल्या ने सरकार से 100% कर चुकाने के उनके प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए कहा है। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की लंदन की एक अदालत में चल रही सुनवाई को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। मामले ने कांग्रेस में शामिल बॉम्बे और इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज अभय थिपसे की नीरव के पक्ष में गवाही देने से तूल पकड़ा है। बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस और राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अत्यधिक संदिग्ध परिस्थितियां बताती हैं कि कांग्रेस नीरव मोदी को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हाल ही में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के लिए सीबीएसई सिलेबस 2020-21 जारी किया है। लॉकडाउन के बीच स्कूल ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन कुछ छात्र ऑनलाइन क्लासेस को
ऑनलाइन क्लासेस को गंभीरता से नहीं ले रहे। ऐसे में छात्रों को ये बात जान लेनी चाहिए कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में उपस्थिति को लेकर सख्त है। जो बच्चे घर से क्लास अटेंड कर रहे हैं उन्हें अपनी क्लास का नया सीबीएसई सिलेबस जरूर पता होना चाहिए, खासतौर पर उन छात्रों को जो मार्च 2021 में सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं।